हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, एज यू माइट हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है. दिस इज फ्रॉम माय लेटेस्ट सरोजनी हॉल दैट आई हैव बीन वेटिंग टू फिल्म एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू लव द प्रोडक्ट्स द things that I have bought and I'm so excited to show all of the things that I have got to you guys. So without any further ado, let's just get started. So guys, इससे पहले कि मैं आपको वो सारा कुछ दिखाऊँ जो मैं सरोजनी नगर से लेके आई थी, इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये सारा कुछ एक महीने पहले का सामान है, क्योंकि मैं एक महीने पहले गई थी सरोजनी नगर एंड उसके बाद मुझे मौका मिला नहीं कि मैं वीडियो शूट कर सकूं. सो अब मैंने ये वीडियो फिल्म करी है एंड देयरफॉर दीज स्टफ आर 1 month ओल्ड. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू एंड वेस्टिंग एनी मोर प्रेशियस टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट स्टेप, आई हैव अ फ्यू स्ट्रैपी टॉप्स और क्रॉप टॉप्स दैट यू माइट कॉल इट, तो मैं वो लेकर आई थी बिकॉज मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी. जस्ट आई नो कि अभी विंटर सीजन है और अभी आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू जस्ट वेयर इट, बट अदरवाइज ऑल्सो मुझे चाहिए थी. और मैं जब जा ही रही थी, मैंने सोचा कि विंटर की शॉपिंग के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत अपनी अदरवाइज कैजुअल्स पहनने के लिए भी ले लूँ. सो माई फर्स्ट टॉप इज़ दिस. ये एक स्ट्रैपी टॉप है, तो इसमें दो स्ट्रैप्स है एक साइड में एंड इट्स अ वेरी नाइस ब्लू कलर, आप देख सकते हैं. और इसमें पिंक एंड सिल्वर कलर के कुछ प्रिंट्स बने हुए हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा है. सो आई हैव बॉट दिस एंड ये पड़ा है मुझे 200 rupees का एंड वेरी सिमिलर टू दैट, उसके सेम शॉप से ही मैं ये टॉप लेकर भी आई थी. सो ये कुछ ऐसा है. अगेन ये एक स्ट्रैपी क्रॉप टॉप है, पीछे से ऐसा है, इसमें हम एडजस्ट भी कर सकते हैं. सो वी हैव दिस एंड नेक्स्ट अप इज दिस स्ट्रैपी टॉप. दिस इज अ वेरी क्यूट बेबी पिंक कलर. अभी आपको कैमरे में उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा बट ये एक बेबी पिंक कलर है. लुक सो इसके अंदर कप्स के लिए वो भी प्रोवाइडेड है जो पैड्स होते हैं, तो इट्स ऑल्सो देयर. इनफैक्ट वो इसमें भी था और वो इसमें भी था, बट बिकॉज मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी मैंने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वो अलग से थोड़ा बड़ा सा लगता है, तो मैंने बस ये रखा है. और ईच ऑफ देम आर फॉर ₹200 एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट. ये बहुत कूल लगते हैं. नेक्स्ट विंटर कलेक्शन का कुछ स्टफ, तो वो है एक ये स्वेटर, आप देख सकते हैं ये थोड़ा ओवरसाइज्ड है और इसका ऐसे राउंड नेक है, यू मे कॉल इट पोलो नेक. और इसके स्लीव्स कुछ ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा. ये ऐसे निट है, दिस इज अ निट स्वेटर. सो आई गॉट दिस वन एंड आई बॉट दिस फॉर ₹150. यस, दिस वॉज फॉर ₹150 गाइस. सो नेक्स्ट अप अ वेरी वेरी क्यूट कार्डिगन विच वॉज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इसका कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि आई जस्ट कुड नॉट रिजिस्ट. मैंने द मोमेंट मैंने इसको देखा मैंने इसे ले लिया बिकॉज ऑफ द कलर. और वो है ये कार्डिगन, इट्स अ वेरी नाइस क्रॉप कार्डिगन. इसका कलर पेस्टल ब्लू है और उसके स्लीव्स फुल है और मुझे ये बहुत क्यूट लगा. इसका राउंड नेक है जस्ट लाइक दिस, सो आई जस्ट लव्ड इट. और मैंने ये देखते ही ले लिया था और ये पड़ा है मुझे ₹200 का ओनली. नेक्स्ट अप इज अ वेरी वेरी क्यूट प्रिंटेड थिक पजामा फॉर विंटर्स, तो वो ये है उसका प्रिंट. ये एक ऑरेंज कलर का प्रिंटेड पजामा है, आप देख सकते हैं. और इसके ऊपर बहुत क्यूट किटी बनी हुई है और हेलो किटी लिखा है. सो दिस इज द प्रिंट एंड आई गॉट दिस फॉर ₹300 और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैंने देखते ही ले लिया था बिकॉज दिस इज अ फुल लेंथ लोअर, तो मुझे विंटर्स में, और इसका कपड़ा थोड़ा थिक है, सो आई एम श्योर ये बहुत सही रहेगा फॉर विंटर्स.
अगेन अनदर स्वेटर. ये आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कितने में लिया है. ये एक बहुत सुंदर स्वेटर है, इट्स ग्रे राउंड नेक स्वेटर और इसमें ऐसे बिल्कुल मेश वर्क है जो बहुत प्यारा लग रहा है. इट्स फुल स्लीव, स्लीव्स पे थोड़ा वाइटिश है एंड सो ये है इसकी लेंथ. एंड दिस वन आई गॉट फॉर ओनली 80 bucks इफ यू वुड बिलीव. सरोजनी नगर में बहुत सारे खड़ीज होते हैं और वहाँ पे 80 rupees ओनली लिखा होता है, उसमें आप कुछ भी ले लो 80 rupees का मिलता है, बट द थिंग इज आपको उसमें ढूंढना पड़ता है. सो गाइज नेक्स्ट इन द लाइन आर टू वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आई कैचिंग स्कार्व्स विच आई गॉट वेरी चीप. दीज आर फॉर ओनली 150 rupees, सो दैट इज टू आई गॉट फॉर 150 rupees. इसका मतलब वन कम्स फॉर 75 rupees. तो आई विल ओपन इट एंड शो यू द एंटायर प्रिंट. इट्स वेरी ब्यूटिफुल सिल्क स्कार्फ यू मे कॉल इट. इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इट्स टू सॉफ्ट एंड द प्रिंट इज अगेन एंड द कलर इज अगेन वेरी रिच. और जो दूसरा वाला है इट्स एक्चुअली रेड. आई डोंट रियली लव रेड एज अ कलर, बट उसमें जो द बॉर्डर्स आर ब्लू विच आई एब्सोल्युटली लव्ड. सो दिस इज द अदर स्कार्फ. इसको आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके से हम स्कार्फ को स्टाइल कर सकते हैं. यू कैन मेक इट एज अ टॉप और यू कैन पुट इट ऑन योर हेड, विच एवर वे यू मे लाइक. तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा कूल लगता है ऐसा. आई विल शो यू. मुझे ये स्टाइल बहुत कूल लगता है. आई लव वेयरिंग द स्कार्फ इन दिस वे और इसलिए मैंने ये दो स्कार्फ लिए थे, मेजरली ये रीजन था. बट इट लुक्स वेरी स्टाइलिश. सो जस्ट गेट इनटू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. मोस्ट फेवरेट कार्डिगन ऑफ ऑल टाइम्स एंड ये मैंने देखते ही ले लिया था. और पहले तो मैं उसके साथ बार्गेन कर रही थी पर ही वॉज नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइस. सो मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट चली गई थी वहाँ से. फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मुझे ना वो चाहिए था, बट ऑफकोर्स मेरी ईगो हर्ट हो गई थी तो मैं वापस नहीं जाती. सो माई फ्रेंड जस्ट वेंट उसके बाद दोबारा एंड जस्ट गॉट इट फॉर मी. बट प्राइस वॉज 200 ओनली. मैंने 150 पे बात की थी बट ऑब्वियसली 50 rupees के लिए मैं ये नहीं छोड़ सकती थी. सो आई गॉट दिस. This was the cardigan which I fell in love with. और मैंने इसमें YouTube में YouTube की एक वीडियो भी बनाई है ये पहन के. तो सबसे सुंदर बात है इसकी इस पर जो प्रिंट है, इट्स सो हाई फैशन. और इसमें ये सीक्वन वर्क भी है जो कि बहुत प्यारा था. सो आई जस्ट कुड नॉट मिस ऑन बाइंग दिस वन. इट हैड टू कम विद मी. सो आई गॉट दिस वन फॉर 200 rupees. So guys, last but not the least is a very very nice jacket. So guys, the very last product in the garment section is this jacket. मैंने एक बहुत ही शानदार सी जैकेट खरीदी है. ये बहुत थिक जैकेट. आई लव द कलर. ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कलर है. इस सेम कलर की मैंने स्ट्रैपी टॉप भी दिखाई थी. इट्स बेबी पिंक वेरी लाइट शेड. तो इसके अंदर जो कैप है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कुशनी फरी सा एक हुड है. इसमें दो ज़िबन हैं और अंदर में इसके ऐसे यहाँ ये दे रखा है. सो यू कैन टाइटन इट और आप इसको टाइट कर सकते हैं. और जब आप इसको पहनेंगे तो ये जो टाइट करा है ये इलास्टिक जितना टाइट चाहे आप कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू योर साइज आप इसको लूज भी कर सकते हैं. तो ये था गाइज, ये सिर्फ मेरी थाई तक है. तो ये था गाइज मेरा गारमेंट सेक्शन का परचेज. मैंने सरोजनी नगर हॉल में दिखाया है और करा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी जो मुझे बहुत क्यूट एंड वर्थ शेयरिंग विद यू गाइज लगी है. उसमें से एक ये इयररिंग है जो सिर्फ 30 rupees का है. नेक्स्ट मैंने एक झुमका लिया था जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था कुछ ब्लैक कलर में. सो वो ये है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है. जस्ट लुक एट इट.
This is all again 30 rupees only. Since forever wanted hoop earrings, जो कि बहुत minimalistic भी लगी और उसका color golden में चाहिए था मुझे. Silver वाले मुझे उतने पसंद नहीं है, hoops golden बहुत प्यारे लगते हैं. So I got this for 50 bucks. ये बहुत अच्छा है. उसने claim करा था कि ये color भी नहीं झड़ेगा, which I did not believe. But मुझे चाहिए था, मुझे सुंदर लगा, तो मैंने 50 rupees का था सिर्फ इसलिए ले लिया. और next earring in the list is the best. ये best वाला है. ये तो मुझे चाहिए ही था. ये है वो earring और ये मुझे 120 rupees का मिला है. देखिए, है ना बिल्कुल खूबसूरत. So ये earring है. थोड़ा सा टैंगल हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ. हाँ, परफेक्ट. सो है ना प्रिटी. आई लव इट. आई जस्ट लव दिस वन. और लास्ट बैंगल्स, ये देखिए, ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है. ये भी मुझे उन खरीद से मिला है जो वो वहाँ ना भैया खड़े होते हैं जिनके पास बहुत सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स होती हैं और वो बहुत प्यारे प्यारे रखते हैं. ये तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, बट मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये लिया. इट्स एक्चुअली मेटालिक गोल्डन और इसके ऊपर ऐसे स्टोन्स बने हुए हैं. सो ये है, दैट्स इट. So guys, that's it for the Sarojini Nagar haul 2020 in the month of November. तो मैं November में गई थी और December के end में मैं video post कर रही हूँ. So उस हिसाब से ये एक month पुराना सामान है and everything is just awesome. मैंने सब कुछ try कर लिया है और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ try करके भी उसके साथ अक्यूमुलेट करके एक वीडियो बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है. फिर मैंने सोचा कि इट्स फाइन क्योंकि वो मेरी फिटिंग है, वो मेरे हिसाब से मुझे कैसा लगे. वैरायटी है वहाँ पे अवेलेबल, तो आप वो अपने साइज का भी ले सकते हैं. सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कि सरोजनी नगर में COVID-19 जैसा कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ होती है एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ रिस्क दैट यू आर गोइंग टू टेक इफ यू आर गोइंग देयर. टच वुड, मैं सेफ हूँ और मेरे साथ जो गए थे वो भी सही है, बट इट्स बिकॉज हमने अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लिया था. वी वर सैनिटाइजिंग ईच एंड एवरी टाइम वी वर टचिंग समथिंग और दी अदर, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड, लाइक क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल जो वहाँ पे ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे हैं, मौजूद है. वहाँ पे भीड़ बहुत होती है ए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेयर योर मास्क एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम. अवॉइड करना वहाँ पे कुछ खाना, एंड अगर खाओ भी तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से सैनिटाइज करके खाइए. और या सो जस्ट बी सेफ, बी केयरफुल एंड शॉप एज मच एज यू लाइक एंड जस्ट बी हैप्पी एंड प्लीज कैरी योर ओन वाटर बॉटल्स एंड जस्ट बी सेफ, ओके. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन वेयर योर लैब गाउन्स, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑफकोर्स. एंड इफ यू लाइक द वीडियो इवन a bit, then please do like my video and please don't forget to subscribe to my channel and share as much as you can. That's all for this video and see you. Toodles.